गुड यस। मेरा नाम माइकान है, मैं लियारी कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक फ़ुटबॉलर हूँ। मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, वहाँ से आने के बाद मैं फ़ुटबॉल एकेडमी आने के लिए रेडी होती हूँ। कराची में, पूरे पाकिस्तान में तो लड़कियां बहुत ही टैलेंटेड हैं, लेकिन उनकी फैमिली अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो बोलते मैं भी फुटबॉल फील्ड हो या कोई और फील्ड हो, ये अच्छा नहीं है ये लड़कियों के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं है, अभी सब कुछ बदल चुका है, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली से, क्योंकि जब मैंने ये कहा कि मुझे फ़ुटबॉल खेलना है, तो मेरी फैमिली मुझे एक बार भी नहीं कहा कि आप फ़ुटबॉल नहीं खेलो। मैं तो एजुकेशन को कंटिन्यू रखूंगी फुटबॉल के साथ साथ, लेकिन मेरा अहम फुटबॉल है, मुझे फुटबॉल में ही आगे बढ़ना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं एजुकेशन छोड़ दूंगी। आई एम अ फुटबॉलर एंड यू आर अ फुटबॉलर, डोंट कंपेयर माय सेल्फ विद यू, बिकॉज़ देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द मून एंड सन, दे शाइन मेरे दिस टाइम। हर इंसान का एक एक ड्रीम तो होता है हर किसी के लाइफ में, लेकिन उसको कोई टारगेट नहीं करता है। अगर मेरे ड्रीम में फुटबॉल, एक फुटबॉलर बनना, तो मुझे उसको टारगेट करना चाहिए और उसकी तरफ चलना चाहिए और इतना मेहनत करना चाहिए कि मैं उसी में ही आगे बढ़ूँ। तो इसका मतलब ये कि मैंने अपने फुटबॉल को टारगेट किया, इन फ्यूचर मैं ज़रूर फुटबॉल में कामयाब रहूँगी। जैसे कि मैं बुरका नहीं पहनती, मैं किट में ही जाती हूँ, तो रास्ते में बहुत सारे लोग देखते हैं कि लड़की है फुटबॉल खेलने जाती है। फुटबॉल टीम के जो मेरे दोस्त थे वो बहुत ही ज़्यादा अहम है, हर टाइम वो एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसे कि अभी मैं और मेरी कैप्टन मानू, हम दोनों हमेशा ही साथ जाते हैं, साथ आते हैं, सबसे आखिर में मेरा ही घर आता है, तो हम पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, रास्ते में मस्ती करते हैं, बातें करते हैं। 17 साल की उम्र के बाद फुटबॉल से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, अगर इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़े तो हम कोई भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान से हमें बहुत प्यार है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फुटबॉल खेलने के लिए आती हूँ ताकि मैं अपने फुटबॉल फील्ड में आगे हो जाऊँ, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ।